अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग अपने WhatsApp से अपने अकाउंट को लॉग आउट करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि WhatsApp अकाउंट किस तरह से लॉग आउट होते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने WhatsApp अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आप अपने WhatsApp ओपन करते हो, उसके बाद 3 डॉट पे टाइप करते हो, उसके बाद सेटिंग पे टाइप करते हो, उसके बाद अकाउंट पे आ जाते हो, और यहाँ पर अगर आप लोग लॉग आउट ऑप्शन यहाँ पर ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर आपको लॉग आउट ऑप्शन शो नहीं होगा। तो इसे आप कहाँ से और किस तरह से लॉग आउट करोगे, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो 2 मिनट का वीडियो है, एंड तक जरूर देखना बिना किसी स्किप की। तो वीडियो में जाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए आप लोग अपनी सेटिंग ओपन कर लीजिए, और सेटिंग ओपन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा, ऐप मैनेजमेंट। तो इस ऐप मैनेजमेंट पे टाइप कर लीजिए, उसके बाद ऐप लिस्ट पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप व्हाट्सअप सर्च भी कर सकते हो, अगर आपके पास यहाँ पर सर्च बार नहीं है तो नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद यहाँ पर व्हाट्सअप ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर व्हाट्सअप आ चुका है, तो इस व्हाट्सअप पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको शो हो जाएगा स्टोरेज एंड कैश, तो इस पर टाइप कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्लियर कैश पे टाइप करना है, उसके बाद क्लियर स्टोरेज इस पे टाइप कर लीजिए, उसके बाद ओके पे टाइप कर लीजिए, उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद दोबारा से हम व्हाट्सअप ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है वो यहाँ से लॉग आउट हो चुका है। तो गाइस इसी तरह से आप लोग अपने व्हाट्सअप अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।